और अब खबर भिंड से है, जहां जिले में रिश्ते को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। बीती रात 26 मार्च को जगत सिंह बघेल के कत्ल का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी, उसके बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। दरअसल 26-27 मार्च की दरमियानी रात BSNL ऑफिस के पीछे जगत सिंह बघेल की उसी के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पत्नी के द्वारा बताया गया कि राजीव बघेल, संजय बघेल और रंजीत बघेल के द्वारा गोली मारकर उसके पति की हत्या की गई, जिसकी वो चश्मदीद गवाह है। वहीं पत्नी के द्वारा बताए हुए लोगों की कॉल डिटेल्स और CDR निकाले जाने पर हत्या में बताए गए तीन आरोपियों में से एक जो कि भोपाल में था, तो वहीं दूसरे घटना स्थान पर मौजूद ही नहीं थे। घटना के बारे में संदेह होने पर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और परिजनों पर नजर रखना शुरू कर दिया। वहीं मुखबिर की सूचना मिलने पर पता चला कि रामू राठौर नाम का व्यक्ति कट्टा बेचने की फिराक में है, जिसे पकड़ लिया गया। वहीं पूछताछ करने पर उसने बताया कि बीते 26 मार्च को मृतक जगत सिंह बघेल का पुत्र हेमंत बघेल, उसका एक दोस्त सुग्रीव राठौर कट्टा और जिंदा कारतूस खरीद कर ले गए थे। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दोनों को ही धर दबोचा। वहीं कड़ाई से पूछताछ करने पर हेमंत बघेल ने बताया कि समूचे घटनाक्रम में मास्टरमाइंड उसकी माँ है और उसी ने अपनी बेटी के ससुराल वालों को फंसाने के लिए अपने पति जगत सिंह बघेल की हत्या बेटे के द्वारा करवा दी। पुलिस ने जगत सिंह बघेल की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी और बेटे हेमंत बघेल के साथ ही उसके सहयोगी सुग्रीव को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये दिनांक 26-27 की दरमियानी रात में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कि मृतक जो है वो अपने घर के बाहर सो रहा था और कुछ लोगों ने आके उसकी मौके पर गोली मार के हत्या कर दी। इसमें पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस ने इसमें जो उसकी पत्नी है उसके द्वारा बताए गए संदिग्धों को, पुलिस ने उनमें से एक को ग्वालियर से राउंडअप किया और उसके बताए गए अनुसार जो दूसरा संदिग्ध था उससे वीडियो कॉल के माध्यम से भोपाल में संपर्क किया। तो एक व्यक्ति जो है वो एक आरोपी अपने घर में सोता हुआ मिला और दूसरा जो है वो भोपाल में मिला, क्योंकि जल्दी घटना के बाद नहीं पहुँच सकता था। उनमें से पुलिस को इस घटना देने के संदिग्ध दर्ज किया, इसमें पुलिस ने मार्ग पंजीकृत किया। उसके बाद DM रिपोर्ट प्राप्त होने के अंतिम 6 दिन के इसमें 300 लोगों का मामला पंजीकृत किया। इसी निर्देशना में पुलिस ने कई लोगों से इसके बारे में गहनता से तफ्तीश की, पूछताछ की। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर व्यक्ति के पास राम राठौर नाम के अवैध हथियार उनका पाया गया, कहीं ना कहीं उस मामले से लिंक है। इस आधार पर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि जो मृतक का लड़का है हेमंत और उसका दोस्त हुई, इन्होंने घटना के बाद उसके पास आकर एक हथियार दिया था और उनमें से एक हथियार जो है वो 2-3 दिन बाद वापस ले गया। उसके बताए गए अनुसार जब दोनों व्यक्तियों को उठाकर हेमंत और सुखदीप से पुलिस ने गहनता से पूछताछ की, मामले से पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा इस घटनाक्रम को करना स्वीकार किया गया और उन्होंने बताया कि पूरा प्लान जो है इसका मास्टरमाइंड जो है वो उनकी उसकी खुद की माँ जो मृतक की पत्नी है वो खुद है।